आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध जताया है। पार्टी ने इसे गैर संवैधानिक और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरा बताया है। आप नेता आतिशी ने प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हुए लॉ कमीशन को 12 पेज में अपनी राय लिखी है। बता दें कि बीजेपी ने पहली बार 2017 में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव देश के सामने रखा था। इस प्रस्ताव को लॉ कमीशन के सामने रखा गया और 2018 में लॉ कमीशन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी रिपोर्ट भेजकर इस पर उनकी राय मांगी थी। आतिशी ने कहा, लॉ कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी। सबको लगता था कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में क्या दिक्कत है, लेकिन जब हमने इस प्रस्ताव की गहराई से जांच की तो हमने कई सारे चिंताजनक फैक्ट्स और थियोरेटिकल इश्यूज भी सामने पाए। अगर भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो इससे हमारे लोकतंत्र को तगड़ा झटका लगेगा, इसीलिए हमारी पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो लोगों का मैंडेट देने का अधिकार खत्म होने का खतरा भी है और इससे भाजपा के ऑपरेशन लोटस को फायदा मिलेगा। समझिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1967 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। जो केंद्र सरकार का लॉ कमीशन का वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव है उसके बारे में है। ये प्रस्ताव देश के सामने पहली बार 2017 में रखा गया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा रखा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक समय पर ही सारे चुनाव होने चाहिए, कि केंद्र सरकार का चुनाव राज्य सरकारों का चुनाव एक साथ होना चाहिए और फिर से 5 साल के गैप के बाद ही अगले चुनाव होने चाहिए। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो जब सबसे पहले कोई भी ये बात सुनता है तो लगता है कि ठीक बात है, लॉजिकल है, क्या हर्ज है इसमें कि हमारे देश में जहाँ पे हर कुछ महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, इसमें क्या हर्ज है कि अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को हम गहराई से जांचने जाते हैं तो कई बहुत चिंताजनक तथ्य, कई बहुत चिंताजनक सैद्धांतिक मुद्दे सामने आते हैं कि किस तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाए तो इस देश के लोकतंत्र को बहुत भारी झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।